बच्चों आज हम देख रहे हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। तो एटम जो हैं इनकी डिस्कवरी, सबसे पहले हमने देखा था कि एटम्स में जो बेसिक पार्टिकल हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। अब हमें देख रहे हैं कि एटम्स में जो कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से होते हैं और एटॉमिक मॉडल्स डिफरेंट कौन कौन से हैं। तो उसमें एटम वर्ड का जो सबसे पहले नाम लिया वो नाम लिया डाल्टन ने। डाल्टन ने सिर्फ ये बताया कि हर मैटर में एटम्स होते हैं जो कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, लेकिन एटम के अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं था उस समय तक। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया वो था थॉमसन मॉडल। अब जे जे थॉमसन को क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट से की? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने जब कैथोड ट्यूब में देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रे, तो उनको कैथोड रेस नाम दिया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे जे थॉमसन ने एक बहुत फेमस मॉडल दिया जिसको हम बोलते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन वर्ड तो समझ ही गए हैं, साइंटिस्ट का नाम है। प्लम पुडिंग जो है वो इसलिए है कि इंग्लिश डिश है प्लम पुडिंग, उसमें रेजिन जैसे लगे होते हैं उसी तरीके से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर होते हैं। ठीक, अब इसको अपन एक जो है नॉर्मल, जैसे यहाँ डायग्राम आप देख पा रहे हैं वाटरमेलन से कंपेयर करते हैं कि वाटरमेलन में जैसे बीज पड़े होते हैं उसी तरीके से थॉमसन ने माना कि एक पूरा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जिसमें पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है। ठीक है ना, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली इन एटम, ये इसका पहला पॉइंट था। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली एम्बेड कर दिया। दूसरा इसने बोला कि एटम इज सॉलिड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो पूरा एटम है सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसने ये कंसिडर किया। ठीक है, और इसने बोला कि टोटल नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ एटम। यानी कि इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। ठीक है, अब बहुत बेसिक मॉडल था ये। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बाद में इस मॉडल को जो है नकारा गया, जैसे जैसे साइंस की डिस्कवरी आगे बढ़ी तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स आए। तो पहला ड्रॉबैक तो यही आया इसका कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है ना, बाद में ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी होकर नहीं पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये मूविंग है। तो पहली कमी तो थॉमसन की हो गई कि उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी जो है रखे हुए हैं, एम्बेडेड है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। और दूसरा जो है इसने बोला कि एटम जो है पूरा सॉलिड है। ठीक है ना, तो लेकिन बाद में पता लगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट, ये बाद में जाके पता चला। तो ये ड्रॉबैक हैं दो, और थॉमसन मॉडल इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं।